हर स्मार्टफोन की अपनी अलग अलग रेडिएशन वेव फ्रिक्वेंसी होती है। मोबाइल फ़ोन में एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है जो नेटवर्क वेव्स यानी तरंगों को सेंड और रिसीव करता है। इन वेव्स को रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं जल फैक्ट और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जल फैक्ट में। आज के ज़माने में हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे सुबह हो या रात हमारा मोबाइल हमारे साथ ही रहता है। अगर हमें एक दिन में मोबाइल के बिना रहना पड़े तो शायद कोई इंसान ही होगा जो बिना फ़ोन के रह पाए। आज के ज़माने में हम मोबाइल के इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि एक दिन तो बहुत दूर की बात है, हम एक मिनट भी मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। मोबाइल फ़ोन आने से हमारी लाइफ बहुत इजी एंड फास्ट हो गई है, लेकिन आपने मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन वेव्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो हमारे लिए कितनी डेंजरस हैं हम सोच भी नहीं सकते। ये वेव्स इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन कुछ वेव्स ऐसी भी होती हैं जो नेचुरल होती हैं, जैसे सूरज से भी वेव्स निकलती हैं, बट वो हमारे लिए इतनी डेंजरस नहीं होती क्योंकि हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन के द्वारा इसे सोख लिया जाता है। आपको बता दें कि मोबाइल के अलावा टीवी रिमोट में भी रेडिएशन होती है, बट वो हमारे लिए इतनी डेंजरस नहीं होती जितनी कि मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल यूज़ करते समय जो रेडिएशन हमारे बॉडी में जाती है उसे SAR यानी स्पेसिफिक अब्सॉर्बेशन रेट कहा जाता है। SAR का स्तर बताता है कि हमारा शरीर कितनी रेडिएशन ग्रहण कर सकता है। इंडिया में इसके लिए पहले से मानक तय है, जिसके मुताबिक हर एक मोबाइल का SAR 1.6 पर KG से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ये इससे ज़्यादा होता है तो ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। अगर आप भी अपने मोबाइल का रेडिएशन लेवल चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल से डायल करना होगा *#07#। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल का रेडिएशन कितना है। इसमें अगर आपको फ़ोन का SAR वैल्यू 1.6 KG से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल ज़्यादा रेडिएट कर रहा है, जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मोबाइल का रेडिएशन क्या है और ये कितना डेंजरस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से जुड़े वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।